अजीब नाम का, मैंने उसकी माँ का दर्द अपनी नज्म में पिरोने की कोशिश करी, और उसके बाद तो वो नज्म मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे उसके दसियों मिलियन व्यूज है, तो बहुत सुनी गई, और मुझे तमाम मुशायरों में ऐसा हुआ है कि मैं नजीब की नज्म पढ़ रहा हूँ और सामने बैठी हुई माएँ जो है वो दारो कतार रो रही हैं। आपको ऐसी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने में मजा आता है या फिर जब आप सोशल मीडिया पर जब आप लाइक्स और ट्वीट्स और रीट्वीट देखते हैं उससे आपको आपको संतुष्टि मिलती है? आपके लिए यह नया है किसी शायर के लिए इस तरह की ताले? कि हर रात ऐसा हो रहा है कि मुझे 50,000 की भीड़ मिल रही है। कभी तो मेरा मुशायरों को लेकर के एक एलीट में एक ये ज़हनियत बनी हुई है कि नहीं वहाँ भीड़ नहीं आती और दूसरी तरह के प्रोग्राम है, लेकिन मैं सच बताऊँ कि देश में कई मुशायरे ऐसे हैं जिसमें आप गिन लें, सर गिन लें, 1,00,000 तक की भीड़ आ रही है। तो लाइव जो 1,00,000 की आवाम आपको सुन रही है, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है गहरी है दिल्ली। वो आँखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये तुमा कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। जो लेखनी है और जिस तरह की रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं, कहीं ना कहीं कलम जो है आपका उस जो विषय है या तो उस पर टिक कर रह जाता है या फिर जो आप लिखना चाहते हैं वो कई बार स्वच्छंद होकर लिखने के बाद नहीं है, तो मैं पर्सनली चला रहा हूं, रिएक्शन करेगा, रिस्पांस आएगा। आपकी बात एक पहलू के लिए सही है, दूसरी पहलू ये है इस बात का कि सोशल मीडिया यकीनन बहुत सारा कचरा चला रहा था, एक बचपन दूध चला रहा था मैगजीन, बचपन दूध जो है वो चला रहा था, तो उन्होंने चैनल बनाने थे उससे अलग हो गया। पिछले जमाने में 4-5 साल 10 साल पहले आप तक उसी में लगे, नहीं उससे अलग हो गया, अपना अपना क्या कर रहे हो, अभी बना है अभी बना है यूट्यूब चैनल, और वो आपको एक नया विषय भी देता है, न्यूज चैनल है, वो मुद्दा एक विषय भी देता है आपको कि आप हाँ न्यूज चैनल है, आप उस पे उस मुद्दे को बड़ा बना दें, बस तय ये करना है एक न्यूज़पेपर है एक मैगजीन इस चीज में आप क्या उठाते हैं, किसी ने सोशल मीडिया पे कोई बहुत खूबसूरत तस्वीर देख ली तो पूरी गजल कह डाली, मुझे किसी रोती बिलखती माँ की तस्वीर दिख गई तो मैंने उस पर नगमा बना दिया, तो हमें तय करना पड़ेगा। मैं तो अक्सर इस पे गजल के 2-3 शेर सुनाऊँ इस एहसास से जुड़ा हुआ के मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के जाना शायर अपनी जिम्मेदारी किस तरह समझ रहा है, मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ, मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा, कहाँ हार हो गई, समंदरों से ये कोई कह दे गुरूर को रख दे साहिलों पर, मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ, मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। इस शेर में मेरी उम्र बोल रही है लेकिन मेरे लहजे में, नजर में हो आग बलवलों की तो हर अदा में हो एक तेवर, नजर में हो आग बलवलों की तो हर अदा में हो एक तेवर, मैं हुस्न
हुस्न वालों को इस नए तौर से संवरना सिखाया है। मैं हुस्न वालों को इस नए तौर में संवरना सिखा रहा हूँ। मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ। मैं एक शायर जो बेबसों के लिए अलग तरह का सुनिए, आज कुछ अलग तरह का सुनिए, ये बहुत अलग तरह का मंच है। अच्छा शादी के मुझे रानी बर्थडे की एक लड़के ने सवाल पूछा मुझे और तो रानी है तो महिला पूछती थी। मैं अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करूंगा। एक्चुअली मैं जिस समाज से आता हूं वहां जो लड़कियां हैं वो उनमें थोड़ा सा अभी भी वो एक संकोच वाला एहसास रहता है, तो ये सवाल पूछ ले रहे हैं इनका शुक्रिया की यही सवाल पूछ ले रहे हैं। करूंगा तो आपको बता दूंगा, जरूर करूंगा। और कुछ बड़े काम बचे हैं जिन्हें अभी करना है, वो कर लिया जाए तो फिर शादी भी कर ली जाएगी इंशाल्लाह। मैं एक नज़्म सुना देता हूँ, 15 मिनट बचे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। हमें अभी अभी पता चला है कि आपके पास 6:30 बजे यानी कि और आधे घंटे हैं। वक्त भी है और मैं आपको तो मैं चाह रहा हूँ आपकी तरफ से जो सवाल है फरमाइशी तो जो होता तो पूरा ही करूँगा। आप बैठ जाए आराम से, मैं सुनाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से जो सवाल आए मेरे लिए भी ये बड़ा मंच है, पूरा देश देख रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम मंचों पे ना तो बांट सकते हैं ना साझा कर पाते हैं लोगों से। होता क्या है इमरान, जब भी यहाँ पर कवि लेखक शायर इस तरह के लोग आते हैं हम अपने शब्द कम कर लेते हैं। दिल्ली में यहाँ पे मिला तो आप सबका इसके लिए शुक्रिया, आप सबको मुबारकबाद। एक नज्म सुनाता हूँ। यूँ होता है सबको लगता है कि बहुत आसान सा है, बहुत चीजें आसान है, शोरते हैं, तालियों का शोर है और आपके पीछे मुशायरों में भागती हुई भीड़ है, लेकिन उसके पीछे के जो कुछ ऐसे एहसास हैं जिन्हें हम किसी से साझा भी नहीं कर पाते। तो मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, यहाँ तमाम नए ऐसे लोग भी आज मिल रहे हैं जो शायद मुशायरों में नहीं सुनने आ पाते, उन सब के नाम एक नज़्म करता हूँ के हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे, हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, उससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे। मत समझना के मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, मत समझना के मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, मत समझना के मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मा
मातम मनाता रहा जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं। ये मेरा संकल्प इसे कह सकते हैं आप, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं तब तलक हर कलम दोपहर में रहे। हम कहा कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम चुभ रहे ये हमें पता है, चलती बंदूक के हम नहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे। लेकिन जो एक जिम्मेदारी है, जो एक आपके अंदर आपकी व्यास पीठिका पे खड़े होने के बाद, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य से एमएस किया, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो एक हिंदुस्तानी जबान है उसके बीच में पुल बनने का काम करूँ, हिंदी और उर्दू के बीच में इमरान पुल बनने का काम करे। हम चुपते हैं सारी चीजें, उस सबके बावजूद मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किसे आदर्श मानते हैं, किसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो मैं अक्सर कह देता हूँ कि ये तो सामने आवाम बैठी है, मैं नज़मे कहता हूँ इसे सुना देता हूँ, इसकी तालियों का शोर और इसकी आंखों में आए हुए आंसू बता देते हैं कि मैंने दिल से बात कह दी है। बाकी एक शायर गुजरे हैं हबीब जालिब, जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ और जिन्हें तमाम जिसे भी थोड़ा बहुत साहित्य से लगा होगा वो पसंद करता है, उनकी जमीन में एक नज्म कहने की मैंने कोशिश करी थी और वो मेरे पूरे वजूद की नज्म है, मैं उसका एक बंद सुना देता हूँ। सच बात की पैरोकारी है, सौ झूठ पे एक सच भारी है, सच बात की पैरोकारी है, सौ झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना, मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। इस मुल्क के तमाम लोग जो अमन पसंद है, जो मोहब्बत को संजो के रखना चाहते हैं, जो इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को अपनी सांसों में बसा के रखना चाहते हैं, उन्हें यकीन दिलाते हुए मिस्र पढ़ता हूँ। एहसास की शिद्दत माधम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, एहसास की शिद्दत माधम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है।